हेलो एवरीवन, आज 11 जून और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 16.28 के आसपास आ चुका है। और इसमें आज के दिन भी देखा जाए तो करीब 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 19 से 20% रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर आप 1 महीने के अंदर देखेंगे तो करीब 30% रिटर्न देखने को मिल रहा है। फिर भी स्टॉक को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। आराम से स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ₹25 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। और मैं इस पर लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई, तब भी मैंने कहा था स्टॉक को आप बाई कर लीजिए। अभी भी मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, स्टॉक को बाई कर लीजिए। मैं करीब 6 से 7 रुपए के आसपास स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूँ। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ व्यूअर्स, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल स्टॉक 100 रुपए के आसपास आ चुका है, तो अभी भी स्टॉक आपको बाई करना है। क्यों बाई करना है पूरा बताऊंगा आज की इस वीडियो में। फंडामेंटल में उतना दम नहीं है, पर स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा आपको एक रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया एक टाइम पे पूरी कंपनी डिलिस्ट होने के कगार पे आ गई थी। और आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में अगर वोडाफोन डिलिस्ट हो जाती है तो बच्चेगा एक तरह से जियो और एयरटेल, और एक तरह से इनकी मोनोपोली हो जाएगी। इस वजह से गवर्नमेंट इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। एक टाइम पे स्टॉक 3 रुपए के आसपास आ गया था और अभी आप देख सकते हैं स्टॉक 16 रुपए के आसपास आ चुका है। तो वापस स्टॉक आपको ऊपर जाते देखने को मिलने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई जिसको ब्रेक करते देखने को मिल जाएगा, स्टॉक 110 या 150 तक जाते देखने को मिल सकता है। पर हाँ, स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न आके दे सकता है। और जिनको ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया एक पेनी स्टॉक है, तो उनको मैं बता दूं ये एक पेनी स्टॉक नहीं है। एक अच्छे खासे डेट के वजह से स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिला था। और जितने भी चाहे यस बैंक हो, चाहे सुरो एनर्जी हो, चाहे जेपी पावर हो, चाहे आर पावर हो, ये सब पेनी स्टॉक नहीं है। इनमें डेट के वजह से या सीईओ के स्कैम की वजह से स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। पर फिलहाल अगर आप देखें तो इन समय वोडाफोन सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप वोडाफोन देखिए तो इसको गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इन पे एक अच्छा सा गवर्नमेंट का डेट था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनकी होल्डिंग ले ली, जिससे इनका डेट रिड्यूस हो गया, जो कि कंपनी के लिए खराब बात होती है। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई, पर स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि इनका भी डेट था और रिड्यूस हो गया था। उसके बाद आदित्य बिरला ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया था, जो कि 11 रुपए के इसके आसपास से। उसके बाद इनका एफपीओ आया था, जो कि सबसे बड़ा एफपीओ था अभी तक। अगर आप देखेंगे इंडियन शेयर मार्केट में सबसे बड़ा एफपीओ इन्हीं का है। तो उसके बाद स्टॉक ने लगातार रैली देखने को मिलने वाली है। और इस एफपीओ में जो इन्होंने फंड जुटाया है उसको सीधा सीधा ये अपने डेट को रिड्यूस करने में काम में लेंगे। और थोड़ा अपने जो इंफ्रा और जितने भी इंडस टावर और जीटेल इंफ्रा, इनका जो डेट था उसको मतलब ये पूरी तरह से पे कर देंगे। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिलने वाला है, जो कि कम नहीं होता है। वहीं अगर आप इसका सेल्स देखेंगे तो करीब 9,600 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो कि फिलहाल 10,600 करोड़ के आसपास आ चुका है मार्च 2024 के अंदर। तो सेल्स में एक जंप देखने को मिलने वाला है, पर उतना अच्छा नहीं है। एक तरह से देखा सेल्स बहुत ही खराब है, पर ये डाटा मार्च का है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 4,400 करोड़ के आसपास था, जो कि फिलहाल 4,300 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करते देखने को मिलने वाला है। प्रॉफिट और टैक्स देखे तो ये भी माइनस में देखने को मिल रहा था, जो कि फिलहाल अभी भी माइनस में 7,666 करोड़ के आसपास, जो कि एक खराब बात है। केस तो देखेंगे तो केस तो पे इनका माइनस में देखने को मिलने वाला था -61 करोड़ के आसपास, तो ये भी खराब देखने को मिल रहा है। वहीं आप स्टूडेंट पैटर्न देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सही से। अगर आप देखेंगे तो 72.05 थी सितंबर 2021 के अंदर, जो कि फिलहाल 38.17 हो चुकी है। तो यहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज करा है, पर देख सकते यहाँ पे इसको डिक्रीज करा था प्रमोटर ने मार्च 2023 के अंदर। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बढ़ाया था, और मैं यहीं से लगातार वीडियो बना रहा था। इस समय स्टॉक 6 से 7 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। मैंने तब कहा था आपको कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब कंपनी बंद तो नहीं होने वाली है, कंपनी डिलीस्ट हो तो देखने को नहीं मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा सा रिटर्न आगे दे सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल देखेंगे तो यहाँ देखते हैं डीएस ने एंट्री ली थी आदित्य बिरला ने, उसके बाद देखते हैं एफआईएस ने भी यहाँ पे एंट्री ली थी फॉर इन्वेस्टर ने। तो सभी अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं और उनके पास आपसे और हमसे ज्यादा ज्ञान है, और वो इसमें एंट्री ले रहे हैं, तो मतलब हाँ स्टॉक आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आगे दे सकती है। तो मैं स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। फंडामेंटल में बहुत ही दिक्कत है, पर वो मार्च का डाटा है। अभी जून जुलाई अगस्त में जो आपको डाटा देखने को मिलने वाला है बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो आप स्टॉक की तरफ जा सकते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा सा स्टॉक की तरफ जाइए, उतना ही पैसा लगाना जितना आप खोने को तैयार है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसकी प्राइस बहुत ही कम है, पर हाँ अभी भी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न आगे दे सकता है। आराम से शॉर्ट टर्म आपको ₹25 से ज्यादा देखने को मिल सकता है। सो व्यूअर्स, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।